जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें अपनी संगत बनाने के बाद सबसे पहले सबर बख्शते हैं, और जिस संगत के अंदर सबर आ गया, पेशेंस आ गया, उसकी तो नैया पार करा ही देते हैं गुरु जी। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी ने उनके सबर का कैसे इम्तिहान लिया। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये सत्संग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं आपका सत्संग लेट शेयर कर रही हूँ। मैं आपको लेट शुक्राना कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना गुरुपा। मेरा एक एग्ज़ाम था जो कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये मेरा लास्ट चांस था। पहले मैंने एक बार एक एग्ज़ाम दिया था, वो जितना स्कोर मुझे चाहिए था उतना नहीं आया, तो अब ये लास्ट टाइम था। इसके बाद मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगी। मैंने एग्ज़ाम दिया था 13 जून को, नॉर्मली रिज़ल्ट 2 आवर्स बाद आ जाता है, पर मेरा 5 दिन बाद आया। गुरुजी मेरे सबर की परीक्षा ले रहे होंगे। अब जब 5 दिन बाद रिज़ल्ट आया, तो गुरुजी की कृपा से वे बहुत ही अच्छा था। इतना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, कभी कभी गुरुजी वो चीज़ कर देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि आंटी जी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, और गुरुजी ने उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा दे दिया। ऐसे ही हमारे गुरुजी हमारे लिए भी बहुत कुछ करते हैं, बस हम उस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते। उल्टा हम गुरुजी को कहते हैं कि आप तो हमारे लिए कुछ करते ही नहीं हैं, लेकिन जो गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं वो तो हम देखते ही नहीं हैं। इसलिए हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जो हमें मिला उसका भी शुक्राना करना चाहिए, जो हमें नहीं मिला हमें उसका भी शुक्राना ही करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।